भारत एट 9 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने रख दी है। इस बार पार्टी ने राजनीति में अपने कदम बढ़ाने वाली तीसरी पीढ़ी के युवा नेताओं पर बड़ा दाव खेला है। श्रीजया चौहान भोकर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। श्रीजया के पिता अशोक चौहान और दादा शंकर राव चौहान दोनों ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भोकर सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, जहां से उनके पिता ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने श्रीजया पर भरोसा जताया है। देखना होगा कि क्या वो बीजेपी के लिए इस सीट पर पहली जीत दर्ज करा पाती है। दूसरी ओर मराठवाड़ के निलंगेकर परिवार से आने वाले संभाजी पाटिल निलंगेकर, उनके दादा शिवाजी पाटिल भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। संभाजी पाटिल के तीसरी बार चुनावी मैदान में एंट्री है। बीजेपी के टिकट पर वो लगातार 2014-2019 के चुनाव जीत चुके हैं और फडणवीस सरकार में मंत्री भी रहे हैं। दोनों ही नेता अपने परिवारों की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में तीसरी पीढ़ी के नेताओं का उदय हो रहा है और बीजेपी उन्हें बड़ी उम्मीदों के साथ सामने लेकर आ रही है। बीजेपी की रणनीति साफ है, मराठवाड़ के सियासी दिग्गजों की पारिवारिक विरासत का इस्तेमाल कर क्षेत्रीय मतदाताओं को साधने की कोशिश। इससे पार्टी को उम्मीद है कि वे इन परिवारों के प्रभाव से लाभ उठा सकेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का यह दांव कितना कारगर साबित होता है। क्या श्रीजया चौहान और संभाजी पाटिल अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए जीत हासिल कर पाएंगे या राजनीति में नई चुनौतियां उनके रास्ते में रुकावट खड़ा कर देंगी। महाराष्ट्र की जनता के हाथ में अब फैसला है कि तीसरी पीढ़ी के युवा नेता सियासत में नया मोड़ ला पाएंगे। जानने के लिए जुड़ रही है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।